दोस्तों, कार म्यूजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रीत दुबे आज आ गया हूं रेनॉल्ट की एक फिर से नई कार का रिव्यू लेके। तो आप इस चैनल पे पूरा रिव्यू जानेंगे रेनॉल्ट की, न्यू कार्स की जो भी अपडेट होगी वो इस चैनल पे मैं आपको देता रहूंगा। एंड गाइज, आज है हमारे पास 2020 टॉप वेरिएंट ट्राइबर, जिसका रिव्यू करने वाला हूँ मैं मधुर तिवारी जी के साथ। तो गाइज, आज का जो रिव्यू रहेगा वो आई थिंक ये मेरी दूसरी कार है रेनॉल्ट की जिसका मैं रिव्यू करने वाला हूँ। हाल ही में मैंने एक कार भी खरीदी है रेनॉल्ट क्विड RXL, तो उसके रिव्यू भी आप इस चैनल पे देख सकते हैं। बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं हमारी, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आप कार म्यूजिक हब के यूट्यूब चैनल पे हमें देख रहे हैं। हमारा एक फेसबुक पेज भी है कार म्यूजिक हब, यहाँ मिलेगा सब, तो वहाँ से आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा अनबॉक्सिंग करता हूँ, लाइक जो भी आफ्टर मार्केट एसेसरीज होती है कार से रिलेटेड वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ इस चैनल पे। तो अब मैंने रिव्यू भी स्टार्ट किया अपने चैनल पे, तो आप देख सकते हैं बहुत सारी कार के रिव्यूज में आपको रियल रिव्यूज देने वाला हूँ। एंड आपको इसमें प्राइस भी पता चलेगा कि एक्स शोरूम प्राइस क्या है टॉप वेरिएंट का, एंड कितने वेरिएंट है इसमें, वो सारी बातें भी हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चेकआउट कराता हूँ आपको पूरी कार। तो राइट प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं और 360 डिग्री में पूरा प्रोफाइल में आपको आउटर चेक कराऊंगा और इनर साइड भी मैं आपको जो इंटीरियर है कार का वो भी चेकआउट कराऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फ्रंट लुक की, तो फ्रंट लुक काफ़ी अट्रैक्टिव है। यूनिक हेडलाइट आपको देखने को मिल जाएंगी, साथ ही साथ जो ग्रिल पे क्रोम का कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा। एंड आपको जो टायर्स मिलेंगे गाइज इसमें वो मिलेंगे MRF के, साथ ही साथ व्हील कवर भी आपको रेनॉल्ट प्रोवाइड कराएगा इसमें। एंड गाइज अगर हम बात करते हैं हेडलाइट्स की, तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त और अट्रैक्टिव लग रही हैं ये हेडलाइट्स। एंड नीचे की बात करते हैं तो नीचे बम्पर पे आप देखेंगे एक सिल्वर कलर का जो नीचे की तरफ लगा हुआ है, स्क्रॉम के नीचे अगर आप जाएंगे तो सिल्वर कलर का जो कॉम्बिनेशन है ब्लैक के साथ वो काफ़ी अच्छा है। ऊपर आपको जो जाली दिख रही है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है, प्रॉपर उसमें एक लुक आ रहा है। एंड अगर बात करते हैं गाइज फॉग लैम्प की, तो उस पर भी क्रोम वर्क हो रखा है, तो क्रोम को आप ज़्यादा इसमें ना लगवाएं क्योंकि फिर ओवर मेकअप लगता है। एंड अगर बात करते हैं गाइज साइड मिरर की, तो यहाँ पे आप क्रोम करवा सकते हैं, आफ्टर मार्केट भी थोड़ा बहुत काम करवा सकते हैं। लेकिन मुझे, अगर मैं पर्सनल इसको लेता हूँ तो मुझे ज़्यादा काम कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मुझे ओवर मेकअप बहुत पसंद नहीं है। मुझे सिंपल जो कंपनी फिटेड चीज़ें होती हैं वो मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। एंड कुछ काम है जो आफ्टर मार्केट मैं भी करवाऊँगा, वो मैं अपनी क्विड RXL में करवाऊँगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा। एंड आप देख सकते हैं MRF के टायर के साथ आपको मिलेगा व्हील कवर रेनॉल्ट का। एंड गाइज अगर हम बात करते हैं इसके साइज़ की, तो ये 15 इंच का साइज़ रहेगा इसका। एंड अगर हम लेफ़्ट प्रोफाइल में चलते हैं तो आप देखेंगे ब्लैक का कॉम्बिनेशन इस कलर के साथ काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। एंड ऊपर की तरफ हम देखेंगे तो गाड़ी का जो ऊपर का रूफ रेल है और नीचे की जो बीडिंग है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी मैच कर रही है, कलर वाइज भी बहुत ज़बरदस्त लग रही है। एंड गाइज अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। बैक साइड में अगर टेल लाइट की बात करते हैं तो काफ़ी अट्रैक्टिव है, यूनिक टाइप इन्होंने बनाया है, काफ़ी जो लुहावनी बोलते हैं जिसको, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है ये। एंड नीचे जो बम्पर पे कॉम्बिनेशन है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है, साथ ही साथ गाइज आपको पावर विंडो सेंटर लॉकिंग सारा काम कंपनी करके देने वाली है। आगे वीडियो में मैं जब इंटीरियर आपको चेकआउट कराऊंगा तो ये सारी चीज़ें एक बार रिव्यू करा दूंगा। तो गाइज आप देख सकते हैं रूफ रेल भी एक अलग तरीके का लुक दे रही है। कुल मिला के हमें आफ्टर मार्केट बहुत ज़्यादा काम कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पावर विंडो आपको मिल रही है, सेंटर लॉकिंग आपको मिल रही है, क्रोम का काम भी आपको 90% दे रही है कंपनी, एंड रूफ रेल, ये भी सारी चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली हैं। एंड अगर गाइज हम बात करते हैं इस कार में एक और ख़ासियत की, तो बैक साइड में जो सीटें हैं वो भी मैं रिमूव करके आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊँगा, तो आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आप इसका पूरा रिव्यू, जेन्युइन रिव्यू देख पाएंगे। एंड अगर बात करते हैं गाइज इसका बैक साइड से राइट प्रोफाइल का, तो बहुत अट्रैक्टिव है ये, मीन्स अगर हम बात करते हैं लॉन्ग रूट की तो काफ़ी अट्रैक्टिव रहेगा आपके लिए एंड कंफर्टेबल राइड रहेगा। तो चलते हैं अब कार के अंदर। तो गाइज अब मैं आ चुका हूँ कार के अंदर और अब आपको सबसे पहले मैं चेकआउट कराऊंगा ये स्टीरियो। तो सबसे पहले मैं स्टीरियो ऑन करता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि स्टीरियो में क्या क्या फीचर आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो गाइज अगर हम बात करते हैं स्टीरियो की, तो ये 7 इंच है और इसमें आपको रेनॉल्ट का लोगो मिल जाएगा। जब आप इस स्टीरियो को स्टार्ट करेंगे तो रेनॉल्ट का लोगो आपको मिलेगा। और इंटरफेस की बात करते हैं गाइज, तो नॉर्मली इंटरफेस आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ इसमें मीडिया का ऑप्शन दिया है, तो आप अगर अपनी USB यहाँ पर लगाते हैं, USB केबल से फ़ोन कनेक्ट करते करते हैं या पेन ड्राइव लगाते हैं तो सारे गाने आपके यहाँ पे आ जाएंगे। मीन्स जो भी आपकी ऑडियो वीडियो फाइल है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ ये नोप है तो इससे आप वॉल्यूम भी मैनेज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम का ऑप्शन आपको मिल जाएगा नोप से। एंड ये नॉर्मली स्टीरियो है, आई थिंक ये एंड्रॉयड नहीं है, मैं पूरा चेकआउट आपको करा देता हूँ। तो ये नॉर्मली स्टीरियो है, एंड्रॉयड वर्जन का कुछ इसमें नहीं दिखा रहा। बीटी के आप जब बीटी आप कनेक्ट करेंगे तो इसमें सारे आपके कॉन्टैक्ट्स वगैरह आ जाएंगे। ये नॉर्मली स्टीरियो है, मीन्स कुछ खास स्टीरियो में मुझे नहीं लगा। रिवर्स पार्किंग कैमरे की बात करते हैं गाइस, तो रिवर्स पार्किंग कैमरा कंपनी फिटेड है तो आपको ये एक बेटर ऑप्शन मिल रहा है कि रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको बाहर से नहीं लगवाना पड़ेगा। अगर आप एंड्रॉयड स्टीरियो नहीं लगाना चाहते तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर एंड्रॉयड स्टीरियो आप लगाना चाहते हैं तो मैंने अभी रिसेंटली अनबॉक्सिंग की है, तो आप देख सकते हैं हमारे कार म्यूजिक हब के चैनल पे, और उस वीडियो की लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो भी स्टीरियो चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज अगर बात करते हैं अंदर के डैशबोर्ड की तो एक बहुत ही ज़बरदस्त लुक आपको देखने को मिल रहा है। एंड स्टीरियो की फिटिंग की बात करते हैं तो पियानो फिनिशिंग वाली फ्रेम के साथ ये लगा हुआ है, तो ये भी एक ऑप्शन है आपके लिए। तो गाइज स्टीरियो में मुझे कुछ खास नहीं दिखा। रेडियो FM ऑक्स USB और ब्लूटूथ, मीन्स एंड्रॉयड ये नहीं है, ना मुझे फ़ोन मिरर लिंक का कोई ऑप्शन इसमें दिखा है। एंड ये एंड्रॉयड अगर हम बात करते हैं एंड्रॉयड स्टीरियो की तो एंड्रॉयड स्टीरियो आप इसमें एक्स्ट्रा मीन्स आफ्टर मार्केट से भी लगवा सकते हैं। एंड अगर पावर विंडो की बात करते हैं गाइज तो पावर विंडो आपको यहाँ मिल रही है फुली। एंड आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पेस भी है। मैं काफ़ी अच्छे से मतलब अगर सीट की बात करते हैं तो सीट काफ़ी कंफर्टेबल है अगर आप लॉन्ग राइड वगैरह पे जा रहे हैं। एंड साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आर्म रेस्ट की जगह पे कुछ बॉक्स है, इसमें कूलिंग नॉब, मीन्स इसमें आप कुछ बोतल रखना चाहते हैं पानी वानी की तो आई थिंक ये कूल भी करेगा। तो कूलिंग नॉब भी है इसमें, तो ये एक अच्छा ऑप्शन मिल गया। अगर आप कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखना चाहते हैं तो यहाँ पे रख सकते हैं। इसका फ़ैन का स्पीड भी आप मैनेज कर सकते हैं, जो इसकी कूलिंग है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। एंड बात करते हैं इसमें हैंड ब्रेक की तो साइड में बिल्कुल ड्राइवर साइड में इसमें हैंड ब्रेक दी गई है। वैसे तो बीच में जो मैक्सिमम कार होती है सेंटर में हैंड ब्रेक होती है, लेकिन इसमें आपको साइड में हैंड ब्रेक देखने को मिल जाएगी। एंड अगर बात करते हैं बैक स्पेस की तो बैक में भी काफ़ी अच्छा स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा। आप देखेंगे तो पूरा प्रॉपर जो है स्पेस है इसके अंदर। पीछे तो आप देख सकते हैं प्रॉपर आपको स्पेस मिलेगा। अगर आप लॉन्ग टूर के लिए निकाल रहे हैं ये कार तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है आपके लिए कि आप इसमें पूरी फैमिली को लेके जा सकते हो। बहुत ही कंफर्टेबल राइड होगी आपकी। एंड रूफ की बात करते हैं तो रूफ में एक सेंटर में लाइट दी गई है। अगर बात करते हैं डैशबोर्ड पे तो डैशबोर्ड पे भी एक लाइट है, मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ। एंड सिंपल मिरर लगा हुआ है। अगर आप बात करते हैं एक्सटर्नल माइक की तो ये माइक भी है, यहाँ से आप स्टीरियो का जो एक्सटर्नल माइक है उससे कॉलिंग की क्वालिटी आपकी काफ़ी बेहतरीन हो जाएगी। एंड मीटर की बात करते हैं तो फुली इलेक्ट्रॉनिक मीटर है। जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर है वो कुछ क्विड RXL जैसा ही मुझे दिख रहा है। मीन्स जो इसकी क्वालिटी है मीटर की वो प्रॉपर क्विड में जो फीचर हैं वही इसमें आपको दिखेंगे। मीटर का लुक कुछ खास मुझे नहीं लगा। लेकिन अगर बात करते हैं इंटरनली स्पेस का तो गाड़ी के अंदर काफ़ी अच्छा स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइज़ मैं कार को एक बार स्टार्ट भी करके दिखाता हूँ। और इसकी अगर बात करते हैं की तो आप देखेंगे ये रिमोट टाइप में है और ये आप देखेंगे स्टार्टिंग का इसका इस पर अगर आप इसको स्टार्ट करना चाहते हैं तो गियर में भी स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको ब्रेक लेना पड़ेगा। एंड चलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूं और दिखाता हूं आपको। तो गाइज़ ये स्टार्ट होने में आई थिंक 2 सेकंड या 3 सेकंड का टाइम लेती है। स्टार्ट होने के बाद अगर बात करते हैं गाइज़ स्टीरियो पे, जैसे ही स्टीरियो ऑन होगा तो आपको रेनॉल्ट का लोगो यहाँ देखने को मिल जाएगा, जैसा कि मैंने स्टीरियो चेकआउट कराया था तब आपको बताया भी था। एंड नोब से आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील बटन की बात करते हैं तो इसमें स्टीयरिंग व्हील बटन नहीं है, मीन्स स्टीयरिंग व्हील बटन आपको आफ्टर मार्केट लगवाने पड़ेंगे। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं इस स्टीरियो के साथ तो आपको आफ्टर मार्केट काम कराना पड़ सकता है। वैसे जो नॉर्मली फीचर होते हैं FM ऑक्स USB ब्लूटूथ एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा ऑल्सो आपको ये रेनॉल्ट प्रोवाइड करा रही है। तो कुछ लोग होते हैं उनको आई थिंक आफ्टर मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड गाइज अगर आप जानना चाहते हैं रेनॉल्ट का रियल रिव्यू तो आप कार म्यूजिक हब के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 110% जेन्युइन रिव्यू, क्योंकि मैं भी अब एक कस्टमर हूँ, मैंने भी एक कार ली है तो मैं जेन्युइन फीडबैक आपको दूंगा। तो गाइज अगर बात करते हैं AC की तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पूरा AC का जो सिस्टम है वो काफ़ी लुक वाइज काफ़ी चेंज किया है इन्होंने। क्रोम की बात करते हैं तो बटन पे ऊपर क्रोम भी है। तो क्रोम की अगर बात करते हैं डैशबोर्ड पे तो पियानो फिनिशिंग वाइट में भी इनको जो साइड पे दिया है ये ग्रिल AC के पास, ये भी काफ़ी अच्छा है गाइस, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। एंड पियानो फिनिशिंग में ब्लैक की बात करते हैं तो स्टीरियो का जो कंसोल है वो पूरा पियानो फिनिशिंग में, तो आफ्टर मार्केट ज़रूरी नहीं है कि आप स्टीरियो लगवाएं। स्टीयरिंग पे अगर बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन दिख रहा है यहाँ पे सिल्वर कलर का। स्टीयरिंग पे जो ये पूरा क्रोम लगा है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, आपको रेनॉल्ट का लोगो स्टीयरिंग पे मिल जाएगा। एंड अगर बात करते हैं इस कार का तो आपको फील जो आने वाला है 110% लग्जरी कार वाला, क्योंकि इसमें आपको कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखनी है, मींस लॉन्ग राइड पे जाना है तो आप बोतल छोटी यहाँ पे रख सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्पेस है और इसमें आप अपने हिसाब से टेम्परेचर भी मैनेज कर सकते हो। तो गाइज अगर हम बात करते हैं चार्जिंग सॉकेट की तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा एंड पीछे भी आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। मैं पीछे डिक्की खोल के आपको चेक कराऊंगा कि पीछे भी आप चार्जिंग पॉइंट लगा सकते हैं। तो इंटीरियर की बात करें तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो गाइज अगर आपको कार लेनी है तो आप जा सकते हैं कार म्यूजिक हब के इस रियल रिव्यू पे और खरीद सकते हैं ट्राइबर 2020 फुली ऑटोमेटिक टॉप मॉडल। गाइज अगर चार्जिंग पॉइंट की बात करते हैं तो पीछे भी एक चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे आप अपने फ़ोन को चार्ज भी कर सकते हैं। तो ये भी अच्छा है कि अगर पीछे वाला जो भी पीछे लोग बैठे हुए हैं उनके लिए भी ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं पीछे की जो सीट्स हैं वो रिमूवल है, मीन्स आप उसको बाहर भी निकाल सकते हैं। अगर आपको लगेज ज़्यादा रखना है तो आप देख सकते हैं इसमें रिमूव का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। तो सर एक बार प्लीज़ इसको रिमूव करके दिखाइए क्या कैसे ये रिमूव होती हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं बहुत ही नॉर्मली आप देखेंगे ये निकल आती हैं बाहर। तो गाइज ये प्रॉपर आपको विद इन 1 मिनट इसकी जो फोल्डिंग है 1 मिनट के अंदर फोल्ड हो जाएंगी और आप इनको बाहर निकाल सकते हैं। मीन्स अगर आपको कुछ ज़्यादा लगेज लेके जाना है तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप प्रॉपर इसका यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं आप काफ़ी स्पेस हो गया। इसी तरीके से ये सीट भी निकल जाएगी तो प्लीज़ इसको भी निकाल दीजिए तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि पीछे कितना स्पेस है। तो गाइस देख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से ये निकल गई बाहर, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ा। और अगर प्लेस करने की बात करते हैं तो विद इन 1 मिनट आप इनको प्लेस भी कर सकते हैं दोबारा से। तो गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से ये बाहर आ जाएगी। सर इसको भी बाहर निकाल दीजिए। तो आप देख सकते हैं आप पीछे का जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। मीन्स आप देखेंगे तो आई थिंक आपको किसी भी कार में इतना ज़्यादा स्पेस नहीं दिखेगा। इन सीटों को निकालने के बाद आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाएगा। तो गाइज़ पीछे एसी भी है तो आप आराम से यहाँ पे कंफर्टेबल राइड कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। बहुत ही अच्छी कार है और फैमिली अगर आपकी 6 से 7 लोग हैं आपकी फैमिली में तो ये बहुत ही बेटर ऑप्शन है आपके लिए, तो आप ये कार ख़रीद सकते हैं। एंड गाइज अगर बात करते हैं कंपनी फिटेड कैमरे की तो कैमरा जो लगा हुआ है वो है नंबर प्लेट के पास, मींस कुछ भी बम्पर पे होल वोल करने की ज़रूरत नहीं है। एंड कंपनी फिटेड सेंसर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये टॉप वेरिएंट है तो ज़्यादातर चीज़ें आपको इसमें लगी हुई मिल जाएंगी। मींस आफ्टर मार्केट बहुत ज़्यादा काम कराने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंसर भी लगे हुए हैं एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा भी HD क्वालिटी में लगा हुआ है। तो गाइज वीडियो पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब हम बात कर लेते हैं प्राइस की। तो सर एक बार बताइए इस गाड़ी के प्राइस की बात करते हैं तो ये टॉप मॉडल है ये ट्राइबर का। जी ये ट्राइबर का 1 लीटर में BVT इंजन, ड्यूल BVT इंजन है। ओके। और ये गाड़ी है टॉप मॉडल RXZ में। तो ये गाड़ी अपन को पड़ती है, एक शोरूम इसका होता है 7,22,000। 7,22,000 एक शोरूम प्राइस। ओके जी। और सारा कुछ जोड़ के अगर ये गाड़ी ऑन रोड बनाए तो 8,20,000 के समथिंग आती है ये गाड़ी। तो गाइज 8,20,000 रुपए के समथिंग अगर ऑन रोड आप ये कार खरीदते हैं तो आपको ये मिल जाएगी। एंड 1000cc इंजन है ना इसका? जी 1000cc ड्यूअल BVT जो पावर मतलब इसका ज़्यादा होता है। ओके तो पावर इसका काफ़ी अच्छा होता है ऐसा ये बताने, बाकी हम इसका टेस्ट ड्राइव भी आपको करके दिखाएंगे आगे अगले वीडियो में। तो गाइज अब हम जानते हैं कि इसमें कितने वेरियंट है। सर एक बार बताइए इस गाड़ी में कितने वेरियंट? इस गाड़ी में 7 वेरियंट आते हैं। 7 वेरियंट? बिल्कुल। तो ये सबसे टॉप मॉडल है? ये टॉप मॉडल है AMT का। अच्छा ये मैनुअल में भी आती है। अच्छा मैनुअल का प्राइस मोटा मोटी क्या होगा? बिल्कुल कम हो जाता है, उसका हो जाता है लगभग 6,99,000 उसका। 6,99,000 और 7,20,000 इसका है। इसका 7,22,000। इससे आगे तो ट्राइवर में कोई है नहीं ना? कोई मॉडल नहीं है इसके। ओके तो ये ट्राइवर का टॉप वेरियंट टॉप मॉडल है। तो बहुत सारे फीचर भी मैंने देखे और काफ़ी अच्छा है। आपने पूरा वीडियो अगर देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि ये बहुत ही ज़बरदस्त कार है इस बजट में। और अभी तो मैंने फिलहाल रेनॉल्ट क्विड RXL ली है, मेरा अगला जो टारगेट है वो ट्राइवर की ओर है। अब बेस मॉडल लेता हूँ टॉप मॉडल लेता हूँ, ये डिपेंड करता है मेरे बजट पे। तो गाइज अगर हम बात करते हैं इसके माइलेज की तो सर एक बार प्लीज़ बताइए क्या कंपनी मेंशन करके देती है डॉक्यूमेंट्स पे माइलेज? जी मैं आपको बताऊँ इसका माइलेज 20 प्लस होता है। 20 प्लस होता है जी। ओके, तो 20 प्लस इसमें माइलेज आपको मिल जाएगा। अगर आपको जानना है रेनॉल्ट क्विड RXL का माइलेज तो आप मेरी वीडियो देखिए, मैं उसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा आपके लिए। अभी तो मैंने मात्र 500 किलोमीटर कार चलाई, अब आगे मैं चलाऊंगा उसको तो एवरेज जो रियल है वो निकल के आ जाएगा, तो वो आप देख सकते हैं हमारे इस चैनल पे। तो गाइस कैसा लगा वीडियो और कैसे लग रहे हैं हमारे वीडियो, जो भी मैं अनबॉक्सिंग टेस्टिंग या जो भी ब्लॉग करता हूँ अपने चैनल पे, उसका फीडबैक जरूर दीजिए क्योंकि आपका कमेंट मुझे बहुत ज्यादा उत्साहित करता है। तो प्लीज मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए आप कमेंट करिए और प्लीज मुझे सजेस्ट करिए कि अब मुझे मुझे किस क्षेत्र में और ब्लॉग करने चाहिए, वो चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेके, क्योंकि ये है कार म्यूजिक हब, यहाँ मिलेगा सब।